हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रावत राइडर पंकज। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। हम भी कर रहे हैं भाई। और अभी जा रहे हैं हम अपने भाई को छोड़ने रेलवे स्टेशन, और उसके बाद हमें जाना है करोल बाग। आ गया निन्नी करके उठ के आ गया। तो हम आज अपनी वाइफ को छोड़ने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से हमें कुछ बाइक का सामान चाहिए तो वो भी ले लेंगे। दिखा दूंगा क्या ज़रूरत है हमें सामान की, क्या क्या सामान चाहिए, तो वो बने रहो वीडियो पे तो बताता हूँ क्या क्या लेना है हमें। और अब हम आ हेलो, चुके हैं, क्या कहते हैं, जहाँ पे हमने यूट्यूब पे भाई का ये चैनल देखा था, आपको तो आ कॉफी चुके हैं। चाहिए? तो भाई ने एक राइनोस की दिखाई है, और थोड़ा बहुत अभी दूसरी देखता हूँ, जौन सी पसंद आएगी आपको बता दूंगा कि क्या प्राइस था, कितनी कैसी है, क्वालिटी क्या है। वो तो आप ऑनलाइन भी देख लोगे तो सब कुछ पता चल ही जाएगा। तो ओवरऑल जो लेना है भाई और सामान भी लेने, तो सारा का सारा निपटा के फिर आपको मिलता हूँ, और नॉर्मली दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं, तो बने रहो वीडियो पे। But I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. ये वाला वैसे इसका नाम क्या है वैसे? इसमें ये टैग नाम है, इसमें सेफटेक का आर्मर एडले का आर्मर है। ओके। और इसमें ये रेनॉक्स का आर्मर, नॉक्स के आर्मर है। अच्छा, नॉक्स के दोनों नॉक्स हैं। 7550। ओके। 6550। ओके। और अब हम पहुंच चुके हैं घर पे, और मेरे हो गई थी कैमरे की बैटरी लो हो गई थी, तो इसलिए मैंने आगे का शूट नहीं किया था। तो फाइनली हम अब पहुंच चुके हैं घर पे। तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या हमने सामान लिया था राइड के लिए। हमने एक छोटी राइड प्लान करी है, आने वाले ब्लॉग में पता चल ही जाएगा हम कहाँ पे राइड कर रहे हैं। कहीं जा नहीं रहे, बस ऐसी बाइक के साथ घूमने निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। तो बने रहो ब्लॉग पे, पता चल जाएगा कहाँ जाएंगे। तो दिखाता हूँ हमने क्या क्या शॉपिंग करी है। एक हमने ये ली है पैंट, राइडिंग पैंट ली है, क्योंकि मेरे पास राइडिंग पैंट नहीं थी पिछली बार, यार बारिश में मेरे को दिक्कत हो रही थी, और अब तो ठंड भी हो गई है, और इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था। इसके अंदर कहते हैं ना 3 लेयर्स हैं, गर्म के लिए भी है और बारिश के लिए भी है। तो मैंने ये लिए राइनोस की। भाई मेरे को राइडिंग पैंट का पूरा पता नहीं है, तो जो जो मेरे को नॉलेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे राइडिंग पैंट, उसमें जो इसमें आर्मर लगे हैं वो लेवल 2 के आर्मर हैं, और ये कुछ स्टिकर्स हैं जो इनमें वारंटी क्लेम करने के लिए होगा, पूरा मेरे को भी नहीं है मालूम इसका इंफॉर्मेशन। और इसमें एक नी के प्रोटेक्टर है, एल्बो के लिए, हिप के लिए, इस पर लिखा हुआ है, जो ये 3 प्रोटेक्शन इसमें है, और ये लेवल 2 का है। तो फाइनली मेरे को ये पसंद आ गया था। वहाँ पे वैसे 3 थे अलग अलग रेंज में, जो मैं आपको, आपने देख ही लिया होगा आगे कि वीडियो में 2-3 पैंटें दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो उसमें मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगी। और दूसरी चीज़ मैंने लिए थे अपनी, मैंने लिए थे ग्लव्स, और जो मैंने पिछली बार एस्पीडा के लिए थे ग्लव्स, उसे यार वो रेनबे पता ही है, पिछली बार पूरे के पूरे गीले हो गए थे तो दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इस बार ले लिए हैं वाटरप्रूफ ग्लव्स। दिखाता हूँ भाई, ये तो पहन के तो देखना पड़ेगा ना कैसा लग रहे हैं। बॉक्सिंग बॉक्सिंग खेले, बोलो बॉक्सिंग बॉक्सिंग। तो इस तरीके के कुछ ग्लव्स हैं, ये लॉन रेंजर के ग्लव्स हैं। ये प्राइस मैं आपको बता दूंगा कि कितने कितने के पड़े हैं। और अभी तो 2-3 चीज़ें और ली हैं मैंने भाई, बताते हैं। हाँ मेन यार, हमारे इस हेलमेट के ये जो पिन होते हैं, दिख रहा होगा आपको शायद, ये जो 2 पिन है ये टूट गए थे, तो इसकी वजह से ये पिन तो मिले नहीं हमें, और तो हमने ये वाइजर पूरा चेंज करा लिया, नया लगा दिया। अब भाई धुंध में भी मस्त, फॉग में हमको दिक्कत नहीं होगी। पिछली बार मैं जब फॉग में चला रहा था तो ये पूरा शीशा फॉग के थ्रू कवर हो जा रहा था बार बार, तो मेरे को दिक्कत हो रही थी। अब फाइनली हमारा, हमने लगा दिया एंटी फॉग लेयर का, तो इस बार शायद हमको दिक्कत ना हो। वो राइड जाने पे पता चलेगा कि भाई क्या इशू आते हैं क्या नहीं आते, क्योंकि देख के तो यार पता चलता है, बट जब एक्सपीरियंस होता है ना चीज़ों का, तब पता चलता है कि एक्चुअल क्या चीज़ थी और क्या सिचुएशन हुई है।
और हमने एक और चीज ली है, ये हमारा टैंक बैग, ये है गोल्डन राइडर का। इसके अंदर कुछ है, बजरा है, देखते हैं क्या है इसके अंदर, क्योंकि मैंने वहां इतनी चीजें चेक नहीं करी, बस ले लिए। मैंने घर पे जाके चेक करूंगा। अच्छा, इसमें स्ट्रेप है, ये बांधने के होंगे कुछ, और ये इसका वाटरप्रूफ केस है जो ऊपर पानी के लिए जब बारिश हो तो लगाने के। इसमें पॉकेट्स बहुत अच्छी है, और ये है मैग्नेट वाला, क्योंकि मैंने उन्हें ये बोला था कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई, अरे गिर गया, अरे रुक जाओ एक सेकेंड, इसको अंदर डाल के पहले चेन बंद कर दूंगा, फिर गिर जाएगा ना। मैंने उनको बोला था मेरी रिक्वायरमेंट है भाई कि मैं टैंक, ये मैग्नेट का भी मिल जाए मेरे को, और उसको यदि बांधना चाहूँ तो बांधने के लिए भी रोप का रहे। तो उसने मेरे को ये सजेस्ट किया था गोल्डन राइडर का, तो फाइनली ये भी आ चुका है अपना। और मैंने एक माउंट लिया है, ये मैंने नीचे लगा दिया वैसे, और ये मैं निकाल के ऊपर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, 360 मिरर, और क्या, हाँ मेन लास्ट चीज़ मैं दिखाना भूल गया, ये थी इसके साथ राइडिंग पैंट। ये तो मैं बोलना भूल गया कि राइडिंग पैंट के साथ मेरे को ये रेन लाइनर था, ये मैंने दिखाया नहीं, पन्नी में था पैक। तो ये कुछ ऐसे यार, तुम्हें पता ही है वाटर प्रूफ रेल नायर कैसा रहता है। तो इसको क्या खोलना, डायरेक्ट वहाँ पर डाल देते हैं। और रही अब मेन पैसे की बात, पैसा और हमारा बिल बना कितने का। अच्छा खासा इस बार अपने शॉपिंग करी है, बहुत तगड़ी शॉपिंग करी है, बताता हूँ बिल हमको क्या क्या और कितने कितने का पड़ा। और ये बिल बना हमको 12,950, ऑलमोस्ट 13,000 हमने कर दिए हैं। तो ये हमने जो सामान खरीदा है चोपड़ा ऑटोमोबाइल से, भाई बंदा बढ़िया है, पूरी चीज़ें बताता, ऐसा नहीं है कि भाई खरीदो जल्दी जल्दी खरीद के फिर भेज दिया, ऐसा नहीं, वो चीज़ों के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रहा था, सारी कुछ बताया उसने A to Z अच्छे तरीके से, मेरे को बढ़िया लगा। जैसे कि हमारा वाइज़र, वाइज़र हमको पड़ा कितने का पड़ा, वाइजर से हमको 1,000 रुपये कुछ का पड़ा था। और जो EMR को पड़ा था 1200 का, ये है ग्रैंड पिस्टन का, ये वायरलेस, ओ सॉरी वायरलेस बोल रहा हूँ, ये वायर्ड का नहीं है, नॉर्मल है, ये हमको 1200 कुछ रुपए का पड़ा था, 1200 रुपये, सॉरी 1200 रुपये। और ये ग्लव्स, अरे चिपक गया रे तू, ये हमारे लोन रेंजर के ग्लव्स, ये हमको पड़े थे यार, मेरे को दिख नहीं रहा है, हाँ ये हमको पड़े 2700 रुपये के ग्लव्स पड़े हमें। बच्चा हमारा टैंक बैंक गोल्डन राइडर का, ये पड़ा था हमको गोल्डन राइडर, कहाँ गए तुम, हम तो गुम हो गए। ये हमको बड़ा 1500 रुपये का। और आते हम राइडिंग पैंट पे, राइनोस की, और राइनोस की पैंट पड़ी हमें 6,550 रुपये की। कैसी लग रही है, अच्छी, बाद में राइडिंग में दिखाऊंगा कि ठीक लग रही है फिटिंग, क्योंकि यार मैंने पहली बार एक जैकेट ले ली थी राइडिंग की, बट मैंने पहन के देखी तो वो फिटिंग ठीक नहीं थी, तो मैंने दूसरी ले रखी एक बार, कोई ना। और छोटी मोटी चीज़ें ली थी हमने कि 360 मिरर, वो हम उसका पैसा इसमें जुड़ा नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो मैंने अलग दुकान से ली थी। तो ओवरऑल मेरे को वाइज़र, एक ग्लव्स, टैंक बैग, राइडिंग पैंट, टोटल मेरे को बैठा है 12,950 रुपीज़ ऑलमोस्ट। ये बिल भाई तगड़ा कटा है इस बार अपने ने, फुल शॉपिंग करी है बाइक के लिए भी और अपने लिए भी। तो होप करता हूँ आपको ये सही लगा हो, आपको कुछ हेल्पफुल करेगा कि ये इतने इतने रेंज के हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, जब तक टिल देन गुड बाय, हैव एन आइडिया, मौज करो, रोज करो, चलो बाय। To the ones who want something better, to the ones who never say never, you'll be my pleasure. Got nothing to be scared of, 'cause where people live, there is